मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिपरिया के भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम रघुवंशी ने सवाल किया कि देश को कई वर्षों पहले आजादी मिल गई थी, लेकिन कई जिले आज भी पिछड़े हुए हैं। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या जवाब दिया, यह भी हम आपको बताएंगे। और यह भी आपको बताएंगे कि ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम रघुवंशी को देश के प्रधानमंत्री से बात कर कैसा महसूस हो रहा है। आइए देखिए दोनों वीडियो, जिसमें एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुषोत्तम रघुवंशी को उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं, वहीं पुरुषोत्तम रघुवंशी बता रहे हैं कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री से बात करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। कल मुझे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ एवं हृदय से उनको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। माननीय हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश के जो मतदान केंद्र के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनते हैं एवं उनका निराकरण करते हैं। कल मैंने जो प्रश्न किया था, अभी भी आज़ादी की इतने सालों बाद भी कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से मुझको जवाब दिया और पूरे देश को इस बात के लिए उन्होंने जवाब दिया, इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः नमन करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे इस कार्य के लिए उनसे रूबरू बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।